दिन सुनते रहते हैं कि हर किसी का सपना है कि वो आईएएस बने, वो इतनी पढ़ाई लिखाई करते हैं कि वो आईएएस बने, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि आईएएस बनने के बाद इनके काम क्या होते हैं? केवल पैसे की बौछार तो नहीं होती। तो आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं कि आईएएस ऑफिसर्स के क्या क्या काम होते हैं, मतलब कितना दुनिया का बोझ वो अपने सिर पे लेकर चलते हैं। भारत में एक आईएएस ऑफिसर को कई महत्वपूर्ण शक्तियां और जिम्मेदारियां दी जाती हैं। एक आईएएस अधिकारी को दी गई कुछ प्रमुख शक्तियां क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आईएएस अधिकारी विभिन्न स्तरों पर सरकारी नीतियों को बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो केंद्र, राज्य या जिला स्तर पर हो। वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरकार की नीतियों को आकार देने में भी योगदान करते हैं। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। सरकारी विभागों और एजेंसियों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए आईएएस अधिकारियों के पास प्रशासनिक और कार्यकारिक शक्तियां होती हैं। उनके पास आदेश जारी करने, नियुक्तियां करने, अधिकारियों को स्थानांतरित करने और सरकारी कर्मचारियों और योजनाओं के कार्यवाहन को देखरेख करने के अधिकार होते हैं। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जिला प्रशासन। आईएएस अधिकारी अक्सर जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। इस भूमिका में वो जिला के समग्र प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वो कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं, राजस्व प्रशासन की निगरानी करते हैं, भूमि संबंधित मामलों को संभालते हैं और जमीनी स्तर पर सरकारी कार्यक्रम के कार्यवाहन को देखरेख करते हैं। चौथा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंधन। आईएएस अधिकारी सार्वजनिक वित्त और बजटीय आवंटन के प्रबंधक के लिए जिम्मेदार होते हैं। वो राजस्व संग्रह, बजट तैयार करने और व्यय नियंत्रण की देखरेख करते हैं। ये वित्त विभागों के साथ मिलकर काम करते हैं और वित्तीय निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। आईएएस अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में शामिल होते हैं। वे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य विकास पहलों के साथ सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों, हितधारकों और एजेंसियों के साथ समन्वय करते हैं। जुडिशियल पावर्स यानी कि न्यायिक शक्तियां। आईएएस अधिकारी विशेष रूप से जो जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर के रूप में सेवारत हैं, उनके पास अर्थ न्यायिक शक्तियां हैं। वे अपने अधिकार क्षेत्र में कानूनी कार्रवाई करते हैं, आदेश जारी करते हैं और भूमि विवाद, कानून और व्यवस्था के मुद्दों और अन्य प्रशासनिक विवादों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट। प्राकृतिक आपदाओं, आपात स्थितियों या अन्य संकटों के दौरान आईएएस अधिकारी राहत और बचाव कार्यों के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे संसाधन जुटाने, विभिन्न एजेंसियों के साथ काम करते हैं और संकट की स्थिति के कुशल प्रबंधन की सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। रिप्रेजेंटेशन एंड लाइसेंस यानी कि प्रतिनिधित्व और संपर्क। आईएएस अधिकारी सरकार और जनता के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं। वे राजनेताओं, नौकरशाहों, निजी संगठनों और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकों, वार्ताओं और चर्चाओं में सरकार की प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आईएएस अधिकारियों की शक्तियां और जिम्मेदारियां विशिष्ट स्थिति, वरिष्ठता के स्तर और अधिकार क्षेत्र के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। शक्तियां आईएएस अधिकारियों को दिए गए अधिकार का एक सामान्य अवलोकन प्रदान करती हैं, लेकिन वो सरकार द्वारा प्रतिभाषित नियमों, नीतियों और कानूनी ढांचा के अधीन हो सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि आईएएस के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि इतने सारे काम उन्हें करने पड़ते हैं। अब आप आईएएस बनना चाहते हैं नहीं, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें ये समाचार 27। मैं हूँ आपके साथ शिवानी रोतेला।